आरएसए प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन, जो कि आपका झटपट ज्ञान शॉर्ट कंसाइज वीडियोस हम बना रहे हैं सो फॉर योर मिड टर्म का एग्जाम का प्रिपरेशन. तो आज का टॉपिक है थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. तो इससे पहले बिफोर आई एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. तो जिसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, द ब्रेक अप, है ना. तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन मतलब एक प्रकार का डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है. तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक प्रकार का डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हीट के प्रेजेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एरो के ऊपर अगर ये छोटू सा ऐसे ट्रायंगल दिखेगा तो समझ जाना ये बेसिकली केमिस्ट्री में हीट को सिंबलाइज करता है. तो ये टूटेगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, ये आपका सिंगल रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है. सो दिस ट्राइंगल छोटू सा रिप्रेजेंट्स हीट. अगर ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो दिस इज योर थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ एक और एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज योर लेड नाइट्रेट का हीटिंग, ठीक है. तो ये फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है. नाउ यहाँ पे दो गैसेस निकल रही हैं, एक तो आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस. तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो होता है सपोर्टर ऑफ कंबर्शन. तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कौन से गैस का होता है, सो दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके. तो ये अगेन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये आपका किस प्रकार का रिएक्शन होगा, दिस इज योर थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन. आई होप आज का सेशन आप सबको यूजफुल लगा. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, एंड वील कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर थिंग विथ शॉर्ट कंसाइज वीडियो. सी यू वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर.